ठीक है. सो क्वेश्चन है सिंपल, 10 kg, 10 न्यूटन फोर्स स्मूथ सरफेस पुश किया जा रहा है और उस प्रोसेस में आफ्टर 5 सेकेंड्स इस फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना है, वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स. सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो. हाँ, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है. तो वर्क डन का फॉर्मूला पता है हमको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो गिवन ही नहीं है, फोर्स गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन हमको मिल सकता है. एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन मास. फोर्स 10 न्यूटन, मास 10 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन आ गया 1 m/s². ठीक है, इसकी मदद से डिस्प्लेसमेंट निकालना है. डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका ut+ ½ a t² u ज़ीरो है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 1 t² कितने देर की बात हो रही है, 5 सेकेंड्स की, तो t हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 25/2. ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालना था, फोर्स 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इतना, तो टोटल कितना आ जाएगा, 125 न्यूटन्स आ जाएगा मेरे ख्याल से, देख लेंगे आप. ठीक है, सॉरी जूल्स, 125 जूल्स आ जाएगा. चलो, अच्छा किया, मिस्टेक सुधार दिया. ओके, जूल्स क्यों आ रहा है, अर्क्स क्यों नहीं आ रहा, सारा कुछ ऐसा ही सिस्टम में चल रहा है. फोर्स आपसे कहा गया न्यूटन्स में है, ठीक है, और एक्सेलरेशन वगैरह आपने निकाला है m/s² में, टाइम आपको सेकेंड्स में गिवन है, इसलिए ऐसा यूनिट जो होता है जूल्स होता है एनर्जी का, जिसको आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है, अब यहां पे स्मूथ कहा गया था, स्मूथ हटा के कर देते हैं, μ=10. ज़ीरो आ रहा है, कैसे ज़ीरो आया, क्योंकि आप देख रहे हो फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स पॉसिबल है वो फोर्स कितना पॉसिबल है, μn की बात करते हैं, और n यहाँ पे mg के बराबर, यानी कि 10g, यानी कि 100 के बराबर है, और μ कितना है, 10 के बराबर, तो टोटल 1000 न्यूटन्स जो है फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है, कर सकता है. आप 10 न्यूटन्स यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज कर देगा, ब्लॉक अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, वर्क डन ज़ीरो. ठीक है, ओके, म्यू की वैल्यू चेंज कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पे 1000 हो गया था, तो 0.05 अगर हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स, चलो ठीक है, फिर कैलकुलेट करो, फिर वर्क डन कितना होगा.
देख लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा इस केस में, तो 0.05 इंटू एन, एन कितना है हमारा 10 मास इंटू जी, और जी को हम 10 लेते चल रहे हैं ऐसी बात हमने कही है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, ठीक है। सो उससे कितना हो जाएगा ये फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन्स, ठीक है। इसका मतलब 10 न्यूटन्स यहाँ से लगा रहे पीछे की ओर एक और फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू 5 न्यूटन्स आ रहा है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बाहर से फोर्स आ गया तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। और उसके लिए एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे एक्सेलरेशन होगा टोटल फोर्स कितना बचा 5 न्यूटन्स और टोटल मास कितना है 10, तो एक्सेलरेशन बचा 0.5 या हाफ जो आप कहना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें फैक्टर आ जाएगा एक 0.5 का, ठीक है, यानी कि 25/4 हो जाएगा। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन हो जाएगा आपका, फोर्स है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 25/4, ये हो जाएगा कितना 125/2 या 62.5, ठीक है। हाँ एक डाउट यहाँ पे आया, ठीक है चलो उसकी बात करेंगे, ओके। सो यहाँ पे जो फोर्स लिख रहे हैं कौन सा फोर्स लिख रहे हैं, यहाँ पे 10 लिखेंगे कि 10-5 लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, ये एक डाउट आया, चलो अच्छा डाउट है चलो। इसके अलावा और एक बात कहते हैं कि हमने कहा था वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस प्रोसेस में आफ्टर 5 सेकंड्स काइनेटिक एनर्जी कितनी थी फाइंड कर सकते हैं, स्पीड कितनी थी फाइंड कर सकते हैं आफ्टर 5 सेकंड्स, कितनी स्पीड थी v इक्वल्स टू u प्लस at, आप लगाएंगे u कितना है 0 है, v इक्वल्स टू 0.5 इंटू t जो कि 5 था, ये हो जाएगा 2.5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है ये स्पीड हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू मास 10 है इंटू 2.5 का स्क्वायर, ठीक है ये कितना हो गया 31.25, तो ये जो है इसके बराबर नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 10 की जगह 10-5 आप कर देते, सारे फोर्सेस को ऐड कर देते, टोटल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टाइप की बात करते, तब आपको ये 31.25 मिल जाता, ठीक है। तो एसेंशियली ये जो फॉर्मूला है ये कहता है कि वर्क डन सारे फोर्सेस के कारण जो जो वर्क डन है सबको जोड़ लो, और वो वर्क डन जो होगा नेट वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, ना कि आपने जो फोर्स लगाया है उसका वर्क डन, ठीक है। सो वैसा कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है चलो। तो अलग अलग हिसाब लगा लेते हैं, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, हाँ चलो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना लिखा है 25/4, इतना डिस्प्लेसमेंट है -25/4, ठीक है क्यों -25/4, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। या एफ डॉट की बात करते फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, उल्टा हिसाब चल रहा है इसलिए एक माइनस आ जाएगा, तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन आ जाएगा आपके पास कितना, जो भी आ जाएगा 125/4 माइनस में यह आ गया आपका वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। वर्क डन ड्यू टू 10 न्यूटन प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 31.25, ठीक है। सो ऐसा भी ये बात भी जैसा आप कह रहे हैं वर्क डन हम कह देंगे इक्वल्स टू 10-5 इंटू डिस्प्लेसमेंट,
इसमें भी थोड़ी गलती हो सकती है, इस केस में नहीं होगी, ठीक है। बट ये बेटर मेथड है कि आप सारे इंडिविजुअल वर्क डन्स निकालो और सबको ऐड कर दो, और सारे इंडिविजुअल वर्क डन निकालो तब साइन वगैरह का ध्यान रखो, फिर ऐड करो, ठीक है। वो हो जाएगा, वो सारा जो वर्क डन है वो नेट वर्क डन हो जाएगा ऑन द बॉडी, और वो एसेंशियली आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि आप इस समय निकालते आप माइनस की गलती अगर दोनों में कर दोगे, इसमें और इसमें, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन और वर्क डन ड्यू टू 10 न्यूटन फोर्स, तो फिर आपका आंसर सॉर्ट ऑफ सही आ जाएगा। टोटल आंसर -1.35 आएगा। आप क्या कहोगे, चलो माइनस की कुछ गड़बड़ी हुई होगी, और उसको आप प्लस में आंसर रिपोर्ट कर दोगे, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। हालांकि वो सही नहीं है, आपको एसेंशियली पता है ये नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और वो पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में। और ऐसा हिसाब आप सही से लगाओगे तो फिर कभी आंसर गड़बड़ आपका नहीं आएगा, ओके। हाँ, यहाँ पे हाँ, V बराबर U प्लस AT लगाए। एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया था 0.5 फ्रिक्शन वाले केस में, ठीक है, और टाइम 5 सेकंड्स था, तो 2.5 आया था। हाँ, ये 31.25 नहीं आ रहा बोल रहे हैं, अच्छा मे बी, तो ये 2.5 इंटू 2.5 हो जाएगा, 6.25 इंटू 5 आ जाएगा 31.25, ठीक है। वो देख लेंगे आप कैलकुलेशंस वगैरह। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम में इस तरीके से चीज़ें इक्वेटेड है, वर्क डन हमने डिफाइन किया था और उसके कारण एनर्जीज की बात हुई थी, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, वैसे तो बेसिक आइडिया आपको है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब क्या है, कि जैसे आपको पता है कि सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़्यादा मेहनत लगती है कि यहाँ से वहाँ पैदल जाने में ज़्यादा मेहनत लगती है। मतलब आपसे कहेंगे कि आप दो मंजिला चढ़ो, कितना मीटर होगा लगभग, ये इसकी हाइट कितनी होगी लगभग फ्लोर की मीटर्स में, थ्री मीटर्स मुश्किल से हो, 3 to 4 meters होगा, ठीक है, 3 to 4 meters। दो फ्लोर चढ़ने के लिए आप कहेंगे तो हो जाएगा ऑलमोस्ट 8 meters, ठीक है। और ये क्लास की विड्थ कितनी होगी लगभग, यहाँ लेंथ, तो ये ऑलमोस्ट 6 to 7 meters होगी, अगला क्लास में मिला ले तो 8 meters हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऊपर चढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे कि यहाँ से वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, अगर आपको चॉइस हो तो, ठीक है, यहाँ से वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्यों, क्योंकि सब आलसी हो, ठीक है, यूनिवर्सली हमको पर्पस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से वहाँ जाना ज़्यादा आसान है तो हम वहीं जाएंगे, ठीक है, ओके। सो ग्राउंड है, आपको पता है उससे हाइट कवर करने में मेहनत लगती है, ठीक है, और उसके अक्रॉस जाने में जो मेहनत लगती है वो ड्यू टू फ्रिक्शन होता है, वो कम होता है। वो जैसे हमने कल बात की थी, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि कुछ वेट हम उठा के रखते हैं तो पसीने क्यों छूटते हैं, उसमें वर्क डन क्यों होता है, तो वो बॉडीली प्रोसेस के कारण होता है, अदरवाइज़ वर्क डन का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। सो वैसे ही स्मूथ, जैसे कैरम बोर्ड वाला एग्जांपल होता है, तो अगर स्मूथ कैरम है, परफेक्टली स्मूथ, तो इसको आप थोड़ी सी एनर्जी दे दोगे, हल्का सा आप हिट करोगे तो ये चलता रहेगा, टकराएगा वापस आएगा, इलास्टिक है तो टकरा के चलता रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं, इस प्रोसेस में कोई एनर्जी नहीं लगती, एनर्जी लगती है ऊपर उठने में, ठीक है। तो ऊंचाइयाँ हासिल करनी है तो मेहनत करो, ठीक है, मुहावरा बन सकता है। कहाँ पे, यहाँ पे,
इधर से चल के जा रहे उस पॉइंट पे, सेम डिस्टेंस है, किसमें वर्क डन ज़्यादा होगा, आपने क्या फील किया है अभी जो हमने एग्जांपल दिया है। तो ऊपर जाने में बहुत मेहनत लगती है, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। तो जैसे कभी बच्चों से झगड़ा हुआ है, अंकित अंकित है ना, हाँ अंकित को बच्चे पसंद नहीं है, ठीक है। तो उसका झगड़ा हुआ हो कभी, एक छोटे बच्चे से झगड़ा हुआ तो उसको तो ऐसे ही निपटा देगा, ठीक है। अब अगर वैसे ही उनकी पूरी जो पलटन होती है 6-7 की वो भिड़ जाए तो क्या होगा, फिर पता नहीं वो वापस आएगा कि नहीं आएगा अंकित, ठीक है। तो वैसे ही केस यहाँ पे है, ग्रेविटी वीकेस्ट फोर्स है। अगर आप पूछोगे कि मेरे और इस डस्टर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, तो बहुत ज़्यादा माइन्यूट है। बट ये दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, कौन से ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, इसमें और पूरा जो बड़ा सा अर्थ है जिसका रेडियस 6400 किलोमीटर्स है, ठीक है। ये पूरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्यूमुलेट होता है, इसके कारण जो है ये जो फोर्स होता है mg, ये सिग्निफिकेंट हो जाता है जो हमारे डेली लाइफ में काम करता है। अदरवाइज़ आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करें, इस फोर्स को ओवरकम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप छोटा मोटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, यहाँ से कुछ चार्ज इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, उसमें ये फोर्स बैलेंस हो सकता है, ठीक। इसीलिए कहा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक। तो वही बात है ये बहुत बच्चों वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, पर बच्चे बहुत ज़्यादा है धोने के लिए, ठीक है। ठीक है, सो अब इस प्रोसेस में आपको समझ में आता है ऊपर जाने में जो है काफ़ी मेहनत लगती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर स्मूथ सिचुएशन होता तो यहाँ से वहाँ जाने में कोई मेहनत नहीं लगती। इस डायरेक्शन में वर्क डन ज़ीरो है, इस डायरेक्शन में वर्क डन जो है समथिंग है, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है ग्रेविटी के केस में। अब मुझे यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्क डन लगा, ज़ीरो। यहाँ से यहाँ जाने में कुछ वर्क डन W लगा, ठीक है। तो इसको कह देते हैं ए बी सी। और वैसे ही अगर मैं जाता हूँ, पहले ऊपर जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर में, फिर फर्स्ट फ्लोर में स्मूथली ट्रेवल करता हूँ, तो भी मेरा जो टोटल पसीने छूटेंगे उतने ही छूटेंगे, ठीक है। मेन जो पसीने छूटने का काम हो रहा है वो ऊपर ट्रेवल करने के प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे घूम के जाओ कैसे भी जाओ, तो ग्रेविटी एक इस तरह का फोर्स है जिसमें वर्क डन इस प्रोसेस में सेम होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है ऑफ पाथ। तो इस तरह के फोर्सेस को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, आप लोग जानते हैं, ठीक है। कौन सा फोर्स है जो कंजर्वेटिव नहीं होता, कि जिसमें मैटर कर जाएगा कि आप किस पाथ से जा रहे हैं, ठीक है। आपको आपको पता है कि आपको जाना यहाँ से कहाँ जाते हैं, मूवी वगैरह देखने गए हैं अभी, PVR वगैरह जाते हैं, ठीक है, PVR वगैरह जाते हैं। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल होती, ठीक है, तो आप कहते हैं PVR मेरे से कितना दूर है। यहाँ से अगर स्ट्रेट आप डिस्टेंस देखेंगे, मोबाइल टावर वाला डिस्टेंस, तो उतना ज़्यादा नहीं होगा, बट रोड डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें आपके पास कई ऑप्शन होते हैं, आप गली गलियारे से भी जा सकते हैं, आप मेन रोड से भी जा सकते हैं, क्या प्रेफर करते हैं? मेन रोड से क्यों प्रेफर करते हैं? रास्ता बड़ा ही होता है, मतलब मान लेते हैं कि गली से आपको शॉर्टकट्स मिल सकते हैं, फिर भी आप गलियाँ प्रेफर नहीं करते कई बार। रोड होते हैं, रोड में गड्ढे होते हैं गलियों में, ठीक है, कोई कई बार मतलब होते हैं। रायपुर में आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं किए होंगे तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा, ठीक है। तो एनीवेज, सो और फिर कोई रास्ते में गाड़ी रख दिया वगैरह, ऑब्स्ट्रक्शंस पॉसिबल है, ठीक है। तो पाथ की क्वालिटी पे भी निर्भर करता है चीज़ें, आपको कितना मेहनत लग रही है, गाड़ी में कितना पेट्रोल लग रहा है, रास्ता कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, सिर्फ रास्ते के लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, चौक यहाँ पे, यहाँ से मेरे को चौक यहाँ पे ले जाना है, ठीक है, इस तरीके से मैं आऊँगा तो कम पेट्रोल लगेगा, ऐसे घूम फिर के 2-3 घंटे में आऊँगा अगर तो ज़्यादा मेहनत लगेगी, इतना मेरे को समझ में आता है। तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कहा गया एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एक और रीज़न है उसके पीछे नॉन कंजर्वेटिव कहने का, कि यहाँ पे पाथ इंडिपेंडेंस है, यहाँ पे पाथ डिपेंडेंस है, बट कंजर्वेटिव कहने का
रीज़न क्या है, कंजर्वेटिव ये टर्म क्यों यूज़ कर रहा है, कंजर्व की बात हो रही है, कुछ कंजर्व रहता है, ठीक है। क्या कंजर्व रहता है कि आपने चौक को ऊपर फेंका, ठीक है, आपने इसको कुछ एनर्जी दी, ठीक है, ऊपर जाएगा फिर क्या होगा, फिर रुक जाएगा, फिर क्या होगा, फिर वापस नीचे आएगा। तो जो एनर्जी आपने इसको दी है वो आपको वापस मिल सकती है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब यहाँ पे आप जनरेटर रख देंगे, ये इस जनरेटर को काइनेटिक अपनी एनर्जी दे देगा और उससे आपको एनर्जी वापस मिल गई वगैरह हो सकता है, ठीक है। फ्रिक्शन में जो एनर्जी आपकी गई वो गई, वो हीट के फॉर्म में, वो अब आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है कि आप इस फोर्स को कंजर्वेटिव कह रहे हैं, इस फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव कह रहे हैं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क डन होता है, ओके, उसकी बात बाद में करेंगे। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो उस फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों से एक बात की गई थी, बेसिक फोर्सेस की बात करी तो चार बेसिक फोर्सेस होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बात हम लोगों ने किया था। एक होता है ग्रेविटेशनल, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एक साथ में ला देते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके पीछे रीज़न आप जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से आप मूविंग चार्ज से आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैलकुलेट कर क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह की बात आपको पता है। तो एसेंशियली ये एक फोर्स है, और फिर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और एक वीक फोर्स होता है, ये न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं, इनके बारे में आपको कुछ नहीं पता, आपको ये दोनों के बारे में ही पता है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स ये दोनों में से किस कैटेगरी में आता है, जैसे आप कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के केस में आता है, क्यों? तो स्प्रिंग जो बना होता है वो मॉलिक्यूल्स से बना होता है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड्स कुछ ऐसे होते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं कि आप उसको कंप्रेस करोगे और फिर फोर्सेस थोड़े बढ़ जाएंगे और फिर वो वापस एक्सटेंड होंगे, ठीक है। तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही, बट कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, हम मान के चलते हैं कि इसमें कोई लॉसेस नहीं होगी, ऐसा एग्जैक्टली होता है क्या? तो स्प्रिंग फोर्स में लॉसेस तो थोड़ा बहुत होता ही है, कम होता है, हम मान के चलते नहीं हो रहा है और इसको कंजर्वेटिव वगैरह मान के चलते हैं, बट एग्जैक्टली ये कंजर्वेटिव होगा ये कहना सही नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, इसमें भी लॉसेस होते हैं। स्प्रिंग को आप वैक्यूम में भी ले जाएंगे अगर, तो जो स्प्रिंग का ऑसिलेशन है, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, बॉन्ड्स के बीच में जो डिस्टेंसेज है वो वेरी कर रहे हैं, उस प्रोसेस में कुछ हीट लॉस होता ही है और उस प्रोसेस में कुछ एनर्जी लॉस होती है, ठीक है, वो बहुत नेग्लिजिबल होती है। आप ये स्प्रिंग को वैक्यूम में ऑसिलेट करके छोड़ देंगे, दो चार साल लगेंगे उसको रुकने में, ठीक है, वैसा कुछ हो सकता है, लॉसेस बहुत कम होते हैं बट होते हैं, ओके। सो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आप कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसको आपने थ्रो किया ये यहाँ जाएगा वापस आ जाएगा, ठीक है, जिस स्पीड से आपने थ्रो किया उसी स्पीड से वापस आ जाएगा, पूरी एनर्जी आपको वापस मिल जाएगी। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, बट हर सिचुएशन में, जैसा स्प्रिंग के सिचुएशन में हमने कहा, हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स। ये दोनों में से किस में आता है? ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? कैसे? तो आप कह रहे हैं जो नॉर्मल फोर्स है वो एसेंशियली होता है कि मेरे हाथ के मॉलिक्यूल्स इस डस्टर के मॉलिक्यूल्स को एक हद के बाद रिपेल करने लग जाते हैं, वो रिपल्शन वाला फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होता है, ठीक है। सो एसेंशियली यहाँ पे जब नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं, वैसा ही कुछ फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स जो है कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। तो भले इसका नेचर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, बट आप एसेंशियली ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव हो सकता है। ऐसा मेरे ख्याल से आप लोगों ने ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में सुना है, आप लोगों ने रीसेंट बात है ग्रेविटेशनल वेव्स की बात है, तो उसके फिनोमेना के बारे में बता देता हूँ।
वहाँ पे क्या होता है, ब्लैक होल्स जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा है, सुना है, देखा है, डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखी होगी, उससे ज़्यादा पता तो आप लोगों को मे भी नहीं होगा, ठीक है। सो ब्लैक होल्स जो होते हैं सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक रेंज तक अगर उसके एक इवेंट हराइजन एक डिफाइंड होता है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर वो गया, फिर वो वापस नहीं आ सकता, लाइट भी वापस नहीं आ सकती, ठीक है। सो ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट होता है। तो वैसे दो ऑब्जेक्ट कुछ आसपास के डिस्टेंस में है और एक दूसरे के अबाउट ऑर्बिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है ऐसा स्पेस में, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग चीज़ है, जो लाइट वगैरह आप देखते हैं उस केस में क्या होता है, स्पेस टाइम में कुछ वेव्स जनरेट होती है और ये दोनों के बीच में जो एनर्जी है वो कम होती आती है, आसपास आते जाते हैं और फिर मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो एनर्जी लॉस होता है ये बहुत स्लो होता है, जब ऑलमोस्ट ये मर्ज करने वाले होते हैं तब ये एनर्जी बहुत तेज़ी से रिलीज़ होती है। तो रिसेंटली इस फिनोमेना को डिटेक्ट किया गया लाइगो में, ऐसा कुछ आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, मे बी नहीं सुना होगा, सर्च कर लेना ग्रेविटेशनल वेव्स लाइगो, इस तरह की चीज़ें। हाँ, सो जो मर्जर का प्रोसेस है, मर्जर के प्रोसेस में उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। मर्जर का प्रोसेस है, जैसे मैं कह रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, बट ये कंजर्वेटिव नहीं है। किसी कंटेक्स्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, किसी कंटेक्स्ट में वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ग्रेविटी ऐसा लगता है हर कंटेक्स्ट में कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं एक कॉन्टेक्स्ट दिखा रहा हूँ जहाँ पे वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटी है, चीज़ें आपस में आसपास आ रहे हैं, बट उस प्रोसेस में ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू एनर्जी बाहर भी जा रही है, लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी जो है एज अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जो मर्जर का प्रोसेस है, जो आपका क्वेश्चन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो वहाँ पे मर्जर के प्रोसेस में क्या होता है, ये दोनों आसपास आ जाते हैं तो इनकी जो स्पीड होती है आपस में रोटेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बहुत फास्ट ग्रेविटेशनल वेव्स उस समय एमिट होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। बट मर्जर के प्रोसेस में जो मेन एनर्जी की बात नहीं, मेन एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो ग्रेविटेशनल वेव्स की रिलीज़ होती है। अगर आप न्यूट्रॉन स्टार्स वगैरह की बात करते तो उस केस में जब मैटर टकराते तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ज़्यादा निकलता, वो सिग्निफिकेंट होता। यहाँ पे क्योंकि ब्लैक होल्स की बात हो रही है, ये ऐसे ही अपने मास को बाहर जाने नहीं देते हैं, ठीक है, और वो आपस में मर्ज होंगे, बड़ा ब्लैक होल बन जाएगा, मतलब हायर इवेंट हराइजन का, वो सब डिटेल्स आपको नहीं पता। तो फिर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉसेस उसमें नेग्लिजिबल होंगी, नहीं होंगी, मैं उसका डिटेल्स नहीं जानता, बट ग्रेविटेशनल लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगी नियर बाय द मर्जर प्रोसेस, ठीक है। सो कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं, तो अगर कोई आपसे कहेगा कि ग्रेविटी क्या कंजर्वेटिव फोर्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इन जनरल आप नहीं कह सकते। हमारे डेली यूज़ में ग्रेविटी इस तरीके से एक्ट करता है, तो हमारे डेली यूज़ में ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, जो उसका जनरल यूज़ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में तो वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, जो कि कंजर्वेटिव नहीं होता, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स के केस में क्या फिनोमेना होगा कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, और इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। ये ब्लॉक है मास m का, इस पर कितना ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, और किस डायरेक्शन में, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये टेबल रखा हुआ है, ठीक है, इस टेबल को फर्स्ट फ्लोर में ले जाना है या उठाना है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर इस टेबल को उठाना है तो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, चलो ठीक है, आप लोगों में से हट्टा कट्टा कौन है, शुभम दिख रहा है थोड़ा, ठीक है, तो शुभम इस टेबल को उठाना चाहता है तो किस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाएगा, अपर डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाएगा, ठीक है, और कितना फ़ोर्स लगाएगा, अगर एम जी बाई टू फोर्स लगाता है तो क्या ये ब्लॉक या टेबल उठेगा, नहीं उठेगा, कितना फ़ोर्स लगाना पड़ेगा, मिनिमम mg लगाना पड़ेगा, mg से थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाएगा तब जाके वो मूव होना शुरू होगा। अब बहुत कम फोर्स लगाता है तो धीरे धीरे ऊपर आएगा, ज़्यादा फोर्स लगाता है तो अचानक से उठा सकते हैं, ठीक है, ये सारी बात आपको समझ में आता है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
अब इस प्रोसेस में क्या करते हैं, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते, जितना फोर्स यहाँ पे है उतना ही फोर्स से थोड़ा ज़्यादा फोर्स टाइप का हम लगाते हैं इस प्रोसेस में, और इतना फोर्स लगाते हुए इसको यहाँ पे मूव कर देते हैं फॉर अ हाइट एच। ठीक है, तो आप कितना फोर्स लगा रहे हो इस प्रोसेस में इसको ऊपर ले जाने के लिए, एम जी से स्लाइटली ज़्यादा कह देते हैं एम जी फिलहाल। ठीक है, और इस प्रोसेस में आपने इसको हाइट एच से रेज किया, तो आपका वर्क डन कितना हुआ, प्लस में कि माइनस में? प्लस में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूव हुआ है। ठीक है, सो आपने जो वर्क किया है वो है यहाँ पे एम जी एच। ग्रेविटी ने वर्क डन किया है क्या कुछ इस प्रोसेस में, कितना किया है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो एम जी है नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट उसका उसके उल्टे डायरेक्शन में है, एच के बराबर है, तो आप कह देंगे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी जो है माइनस एम जी एच है। अब ग्रेविटी कितना वर्क किया उससे हमको क्या मतलब, हमारे मेन काम की चीज़ है कितना हमारे पसीने छूट रहे हैं, ये मेन बात है हमारे लिए, और वो किस चीज़ से डिपेंड करता है, वो यहाँ से हम डिनोट कर रहे हैं एम जी एच से। तो इस चीज़ को हमने कह दिया। अब ये बात पता है, हम इसको शुभम इस टेबल को उठा के यहाँ पे रखता है, छोड़ देगा तो क्या होगा, नीचे आएगा, नीचे आने के प्रोसेस में उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जब गिरेगा ज़मीन पे लगेगा तो आवाज़ आएगा। ठीक है, आवाज़ एनर्जी मतलब रिलीज़ होगी, तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी आ गई होगी। कितनी एनर्जी आ गई होगी, जितना हमने उस पर वर्क किया है एम जी एच। ठीक है, और जो एनर्जी आ गई है इसीलिए हम इस टर्म को कह देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो आप काम करते हैं वो ऑब्जेक्ट में नहीं सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, सो लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। In the context of conservative forces, and is equal to external work done against external work done against that conservative force. External work done against that conservative force. Okay, इस बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। सो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने कह दिया, हमने एक ब्लॉक ऑफ मास एम को उठाया अपनी जगह से हाइट h पे। ठीक है, और उस प्रोसेस में हमको कुछ मेहनत लगी, कितनी मेहनत लगी, तो हमने कहा वर्क डन इक्वल्स टू प्लस एम जी एच, इतना एनर्जी उसमें स्टोर हो गया होगा। ठीक है, अब ये h क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट की बात की है एसेंशियली। ठीक है, सो यहाँ पे एसेंशियली ये जो चीज़ है ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है,
आपने कहा यहाँ यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर रहे हैं, अब यहाँ पे भी हो सकता है कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही हो ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड, ऐसा कुछ बात करते हैं। तो एसेंशियली ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, ये लिखा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। अब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है एसेंशियली, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो डेल्टा एच की बात करें तो कुछ ऐसा लग रहा है एम जी इंटू एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, इस टाइप की बात हो रही है। एच इनिशियल मिल जाए, एच फाइनल तो एच इनिशियल प्लस एच टाइप की कोई चीज़ है। एच इनिशियल क्या चीज़ है, इनिशियली ब्लॉक किस हाइट पे रहा होगा, किस हाइट पे रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं पूछूं ये पंखा किस हाइट पे है, ऑलमोस्ट 2.5 मीटर्स कह सकते हैं आप, ऑलमोस्ट, ठीक है, 2.5 मीटर्स से, कहाँ से 2.5 मीटर्स, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये ग्राउंड सी लेवल पे तो नहीं है, सी लेवल से कुछ और हाइट आ जाएगी, इस टेबल के ऊपर से कुछ और हाइट आ जाएगी, तो कौन से हाइट की बात हो रही है, तो ग्राउंड तो अलग अलग जगह अलग अलग है, तो मतलब आप इस रूम में बैठ के इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ बताओगे, बाहर ग्राउंड में लेवल थोड़ा नीचे है वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कुछ और बताओगे, पंखे के रिस्पेक्ट में, मतलब उसके जस्ट नीचे, मतलब उसके पीछे भी कोई लॉजिक होना चाहिए ना। अब मैं गड्ढा खोद दूंगा इसका एनर्जी चेंज हो गया, ये भी सेंस नहीं बनता ना, ऐसे सोच सकते आप कि भाई पंखा तो चलो वहीं लटका हुआ है, उस पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, यहाँ पर हमने गड्ढा खोद दिया, तो अगर आपकी बात सही है तो उसके हिसाब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से वहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, तो सेंस नहीं बनता उस चीज़ का, अलग अलग हो सकता है। तो किस लेवल से डिफाइन करें हाइट को, सेंटर ऑफ अर्थ से डिफाइन कर दे, अच्छा सेंटर ऑफ अर्थ में तो दूसरी प्रॉब्लम्स है, बट क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ से क्या प्रॉब्लम है, फिर वो सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस में जाएंगे तो जी वेरी होने लगता है, ठीक है, तो वो अलग प्रॉब्लम है। बट अगर आप अगर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उसमें इनिशियल हाइट का कोई सिग्निफिकेंस है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आप बस बता दो यहाँ से यहाँ गया कितने दूर गया, वो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता सकता है, ठीक है। इनिशियल हाइट का कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं। अब इस प्रोसेस में आपकी मर्जी है, आप इनिशियल हाइट चाहे ग्राउंड से ले लो, चाहे बाहर जो ग्राउंड लेवल है उससे ले लो, चाहे सी लेवल से ले लो, चाहे स्टेबल से ले लो, ज़रूरी क्या चीज़ है, इस पूरे प्रोसेस में बाहर का जो फोर्स है वो एम जी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप ज़्यादा हाइट पे चले जाओगे तो ये फोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है, और उस केस में आप एग्जैक्टली ये बातें नहीं कह पाओगे, ठीक है। इसका और फर्दर फॉर्म हम लोग बात करेंगे, जनरल फॉर्म, ये एक स्पेशल फॉर्म है, सिर्फ एम जी के लिए वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल हाइट की बात एग्जैक्टली मैटर नहीं कर रही, इसका मतलब आपके हाथ में है आप रेफरेंस किसको लेते हो, ठीक है। आप कह देते हो कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एच, अगर आप यहाँ पे कह देते हो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच वन है तो यहाँ पे एनर्जी हो जाएगा एम जी एच वन प्लस एच, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू अपने आप में किसी काम के नहीं है, इसका आप क्या करोगे इसको जान के, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक तरीके से हमारी मर्जी है, हम कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो लें, कहाँ पे रेफरेंस डिसाइड करें, ये सब हमारे ऊपर है, ओके। सो टाइम क्या हुआ है, 1:20, ओके ठीक है, 12:30, ओके ठीक है, तो फिर 12:20, 10 मिनट बचा है ना, ओके हम लोग बात करेंगे 10 मिनट। तो एसेंशियली ये बात हो रही है पोटेंशियल एनर्जी का अपने आप में कुछ कोई एब्सोल्यूट वैल्यू का सिग्निफिकेंस उतना नहीं है। हम लोग मान लेते हैं कोई एक यूज़फुल पॉइंट होता है, यहाँ पे आप ग्राउंड कह दो या सी लेवल कह दो, सी लेवल एक स्टैंडर्ड बन जाएगा आपका पूरे अर्थ के लिए, ठीक है। सी लेवल आप सी लेवल से हाइट डिफाइन कर दो, वो आपका एक रेफरेंस हो जाएगा, वो भी ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे काम करना है, आपको पता है अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करना है, तो ग्राउंड को रेफरेंस मान लो, ठीक है। तो रेफरेंस हमारे हाथ में है, आप इनिशियल हाइट रेफरेंस क्या फिट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी
of a system is not uniquely defined. Potential energy of a system is not uniquely defined. And is based on a reference. And is based on a reference. And is based on a reference level. Based on a reference level or point. Reference level or point. तो पोटेंशियल एनर्जी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो एसेंशियली है आपका वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस, किसी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ठीक है। सो अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको जनरल फॉर्मूला क्या पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? जी एम एम बाय आर स्क्वायर, इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। पिक्चर बनाते हैं, यह है प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल एम और सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल एम ले लिया, ठीक है। और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आर, सेंटर के बीच में डिस्टेंस। तो फिर इतना फोर्स लगेगा, किस पे लगेगा, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ याद रखना, ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा। अब ये बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका फोर्स बाय मास। अब फोर्स बाय कैपिटल एम बहुत छोटा हो जाएगा, एफ बाय स्मॉल एम बड़ा हो जाएगा। तो आपको दिखाई देगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑलमोस्ट अपनी जगह पे, ये ऑब्जेक्ट सिग्निफिकेंटली मूव कर गया ड्यू टू दैट फोर्स। तो आप कह देते हैं कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, ऐसा टाइप का मान लेते हैं, ठीक है। ओके, सो इस प्रोसेस में इस पे फोर्स लग रहा है जी एम एम बाय आर स्क्वायर, किस डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, ठीक है। अब इस फोर्स के अगेंस्ट अगर मैं इस सैटेलाइट को यहाँ से यहाँ मूव कर दूँ तो फोर्स तो है, उसके अगेंस्ट मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। वर्क डन कितना होगा इस फोर्स के अगेंस्ट, कितना होगा इन द सेंस, अच्छा मैं अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट को यहाँ मूव करना है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, मैं फोर्स लगा रहा हूँ पॉजिटिव कि नेगेटिव, मैं किधर फोर्स लगा रहा हूँ, मुझे तो बाहर फोर्स लगाना पड़ेगा इस फोर्स के अगेंस्ट, मेरा फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन कितना होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही कुछ बात करते हैं। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब एसेंशियली उसको डिफाइन करने के लिए वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, जितना फोर्स अर्थ लगा रहा है उतना ही फोर्स मैं लगाता हूँ और वो फोर्स इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस में मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करूँगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, तो मैं कह देता हूँ R1 से R2 तक, ये हो गया R2 रेडियस, ठीक है। मैं फोर्स लगाता हूँ इतना और उसको R1 से R2 तक डिस्प्लेस कर देता हूँ, तो मेरा वर्क डन कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन का एक क्रूड फॉर्मूला है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट यहाँ पे फोर्स जो है वो डिस्टेंस के साथ साथ चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के साथ साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है आपका, तो आपने कुछ ऐसा फॉर्म शायद देख रखा होगा, ठीक है। लिखा वही चीज़ है, अलग अलग फोर्सेस अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स होंगे और उस प्रोसेस में टोटल सबको जोड़ के जो बनेगा वो होगा वर्क डन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमको करना है, ओके। मेरा वर्क डन क्या होगा यहाँ से वहाँ तक जाने में, तो ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, चलो फोर्स कितना है मैं जो लगा रहा हूँ वो भी जी एम एम बाय आर स्क्वायर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है,
तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो इस फोर्स के लिए अलग अलग है, ठीक है। डी आर हमने लगा दिया, कहाँ से कहाँ तक इतना वर्क मेरे को करना पड़ेगा इस सेटेलाइट को यहाँ से वहाँ ले जाने में। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ, ये टोटल इंटीग्रेट करना आता है आपको। तो ये हो गया आपका जी एम एम कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या आएगा प्लस वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ठीक है। ये है आर वन, ये है आर टू, माइनस का अंतर तो नहीं है यहाँ पे, चलो मैं देख लेता हूँ, तो मेरे को थोड़ा डाउट है इस पर। जी एम एम बाय आर वन माइनस जी एम एम बाय आर टू, आर वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है। आर वन है स्मॉल तो ये हो जाएगा लार्ज, हाँ ठीक है। सो वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये है वर्क डन एक जगह से दूसरे जगह इस ऑब्जेक्ट को पुश करने में जितना लगा, ठीक है। एसेंशियली ये क्या चीज़ है, ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एसेंशियली ये जो है ये है आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर रेफरेंस कोई मिल जाए तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन कर पाएंगे, यहाँ पे हमने कोई रेफरेंस की बात नहीं किया, चेंज के लिए हमको रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वैसा कुछ हमने बात कह दी है। अब अगर हमको रेफरेंस लेना है, कौन सा रेफरेंस लें, कोई स्पेशल पॉइंट है क्या जिसको हम रेफरेंस ले सकें। सेंटर के साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही आप प्लैनेट के अंदर जाते हैं ये फोर्स गड़बड़ा जाता है फॉर्मूला, ठीक है। तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आप ये ऐसा ये फॉर्मूला जो हमने कह रखा है ये सारा प्रोसेस वायलेट हो जाएगा। जैसे ही आप आर वन लेस देन आर करते हैं, इसको कह देते हैं कैपिटल आर, तो यहाँ पे एसेंशियली ज़रूरी क्या है, आर वन ग्रेटर देन आर होना चाहिए, फॉर लेस देन आर ये चीज़ वैलिड नहीं है कुछ भी, ठीक है। और क्या ऑप्शन है, सरफेस को ले सकते हैं रेफरेंस, ये हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है। वहाँ तक तो चीज़ें वैलिड है, उससे भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर एक इन्फिनिटी पॉइंट की बात करें तो इसका फोर्स कितना होगा, प्लैनेट का फोर्स सेटेलाइट पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ज़ीरो हो जाएगा फोर्स, ठीक है। तो वो भी एक स्पेशल पॉइंट है, हम उस पॉइंट पे रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। उस पॉइंट पे रेफरेंस ले लेंगे तो फिर वहाँ पे एनर्जी क्या कहेंगे, फिर उस पॉइंट को रेफरेंस कह दिया तो वहाँ पे एनर्जी कह देते हैं ज़ीरो था, ठीक है। वहाँ पे एनर्जी ज़ीरो था और फिर वहाँ से उस रेफरेंस पॉइंट से यहाँ लेकर आते हैं किसी डिस्टेंस आर पे, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि आर वन एसेंशियली था इन्फिनिटी और आर टू था सम डिस्टेंस आर, ठीक है। हमने उल्टा प्रोसेस किया था, हम पास से दूर ले गए थे, अब दूर से पास ला रहे हैं, तो वर्क डन ऑफकोर्स नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा। आर वन को हमने कह दिया इन्फिनिटी तो इसको रख देते हैं इन्फिनिटी, आर टू को आर कह देते हैं, तो एसेंशियली माइनस जी एम एम बाय आर, इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो जाएगी ग्रेविटी के कारण टेकिंग रेफरेंस एज इन्फिनिटी। ये ज़रूरी बात है, ये यूनिक वैल्यू नहीं है, ये उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है और इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, इसका मतलब रेफरेंस जो है वो इन्फिनिटी है, डिस्टेंस आर पे ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस तरीके से आ गया आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी ये डिफाइन कर दिया जाता है इसको इस तरीके से, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देख रखा है, आया कैसे वो समझ में आ गया, ओके ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके। अच्छा, असाइनमेंट के लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, मैं अच्छा चलो मेरी तरफ से ही काम बचा हुआ है, आप लोग तो कर लोगे। क्वेश्चंस आप लोग को बता दिया गया ना, 8 और 9 क्वेश्चन जो था आप लोगों का, ठीक है। सो वो दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं और गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है आपको। कैम स्कैनर वगैरह ऐप है आप लोग के पास, नहीं होगा तो इंस्टॉल कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो उससे पिक्स खींचेंगे, पिक्स नहीं भेजेंगे, पिक्स का पीडीएफ बना के वो चीज़ आप सबमिट करेंगे, पीडीएफ बना के गूगल क्लासरूम में आपको बताऊँगा
कैसे उसको ज्वाइन करना है, और वहाँ पे आपका आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपका नाम दिखाई देगा, उसके अगेंस्ट आपको वो असाइनमेंट सबमिट करना होगा। ठीक है, अपने नाम पीडीएफ में भी अपना नाम लिखेंगे, मतलब जैसे सदानंद असाइनमेंट 1 इस टाइप का पीडीएफ की नेमिंग करेंगे और सबमिट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ओके।